इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा के मामले में अब एक्शन लिया गया है। यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक की तहरीर पर आरोपी सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मारपीट और फायरिंग करने के आरोपी सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ जानलेवा हमला समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इस मामले में कर्नलगंज पुलिस स्टेशन में 4 नामजद और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बता दें कि यहाँ सुरक्षा गार्ड के द्वारा पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक के साथ हुए विवाद के बाद छात्र भड़के थे। आरोप है कि कुछ सुरक्षा गार्डों ने फायरिंग भी की थी, जिसके बाद आगजनी और पथराव और ताबड़तोड़ के फायरिंग के मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से छात्रों के खिलाफ भी केस दर्ज किया जा सकता है। बता दें कि मौके पर पीएसी के साथ आरएएफ को भी तैनात कर दिया गया है। तो मारपीट करने वाले गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रयागराज का यह मामला जहां मारपीट करने वाले गार्ड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि कुछ सुरक्षा गार्डों ने फायरिंग भी की थी, जिसके बाद आगजनी पथराव हुआ। और वही मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से छात्रों के खिलाफ भी केस दर्ज किया जा सकता है। तो मामला प्रयागराज आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंसा का यह मामला, बता दें कि मारपीट और फायरिंग करने के आरोपी सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ जानलेवा हमला समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इस पर और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, क्या कुछ कार्रवाई अब तक सामने आई? देखिए, जिस तरीके से कल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्डों के बीच जो मारपीट हुई, उसके बाद कई लोग घायल भी हुए थे और कई जगह अग्नि वगैरह की गई थी, उसको लेकर कल देर रात कर्नलगंज थाने में 40 अज्ञात और 4 नामजद सिक्योरिटी गार्डों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। वही अगर बात की जाए आज की, तो आज यहाँ पर काफी संख्या में यूनिवर्सिटी के अंदर पीएसी के साथ साथ आरएएफ की फोर्स भी तैनात कर दी गई है। वही यूनियन हॉल पे जो वर्तमान नेता और छात्र नेता है वो वहाँ मौजूद है और वहाँ पर मीटिंग चल रही है। आगे की रणनीति तैयार की जा रही है की आगे क्या करना है लोगों को, उसके बाद अगर रणनीति जब तैयार हो जाती है उसके बाद वो आगे की कार्रवाई करने के लिए वो बात नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए शांति के लिहाज से अराजकता नियंत्रण में रहे, अराजकता न होने पाए, इसको लेकर के फिलहाल विश्वविद्यालय में किस तरीके की तैनाती की गई है और आगे की क्या रणनीति? देखिए, पुलिस प्रशासन यहाँ पर काफी मुस्तैदी से तैनात है और भारी संख्या में यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के क्षेत्र के साथ जो क्षेत्र है पूरे सामने पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। वही यूनियन हॉल के अंदर पुलिस और आरएएफ के साथ साथ पीएसी भी तैनात कर दी गई है। शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, नजर बनाए रखिएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मामला प्रयागराज का। बताने के कल छात्रों और गार्ड के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद पीएसी के साथ आरएएफ को भी बता दें कि तैनात किया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंसा का ये मामला। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/